रहीम, आज हमारे फाकी फाउंडेशन हैदराबाद सेंटर और हैदराबाद हेल्पिंग फ्रेंड्स की जाने से जो है अतिया खून का कैंप लगाया गया और दो नौजवान जो है वो इस वक्त हमारे पास जो है ब्लड देने के लिए आए, तो मैं इन दोनों से कमेंट सुनूंगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका जो है? मुस्तफा। हाँ मुस्तफा, आप माशाल्लाह से यंग लग रहे हैं मुझे, जो है क्या कहेंगे ब्लड के हवाले से? जो है ब्लड के हवाले से ये कहना चाहते हैं कि जो हमारी जो नौजवान नस्ल है जो अच्छी सेहत रखता है उसको खून देना चाहिए और ये हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है और इससे हमारे लिए भी फायदा है और दूसरे जिसको नीड है उसको इजीली खून मिल जाएगा और इससे हमारी सेहत पर भी अच्छा असर पड़ता है कि अगर हम अपना पुराना खून जो नया खून फिर हमारे अंदर हमारा बचता है, इससे हमारी बीमारियाँ भी खत्म होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी, चाहिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपको जजाए खैर दे। जी क्या नाम है आपका भाई? आसिफ। आसिफ क्या कहोगे ब्लड के हवाले से? माशाल्लाह आज ब्लड देने आए हमारे पास जो है, हम जैसे नौजवानों को खून देना चाहिए, अगर हमारे खून से किसी की हेल्प हो सकती है, जिंदगी बच सकती है, जिंदगी बच सकती है तो हमें बहुत खुशी होगी। आप भी खून दें। हमारे एक नौजवान साथी जो अतिया खून देने के लिए आए हुए हैं तो मैं इनसे मालूम करता हूँ, उनसे तासुरात भी लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका जो है? नाम सैयद मोहम्मद औरंगी है। अच्छा, और माशाल्लाह से आप नौजवान भी हैं और अतिया खून देने के लिए भी आए, क्या कहेंगे सवाले से जो है? देखिए मैं सबको इस बात की तंगी करूँगा कि इंसान पूरे दिन के अंदर कितने साल ऐसे काम कर रहा होता है जिससे इंसान की ना पता चल रहा होता है कि नेकी कर रहा है या फिर वो गुनाह कर रहा है, तो एक दिन का अच्छा अगर हम लोग काम कर सकें, आपको पता है थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं उनको दिन में दो दफ़ा खून का अतिया की ज़रूरत होती है, पर हम और आप जैसा अगर नौजवान इसमें अगर पार्ट लेंगे तो मेरे ख्याल से उनकी नीड भी पूरी हो जाएगी और हमारी अपनी आखिरत के लिए भी जो है एक बहुत अच्छा इस्बाब मुहैया कर सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपको जजाए खैर अता फरमाए। जो है आप कराची से आए माशाल्लाह से, जो है कहाँ पर पढ़ते हैं आप जो है? मैं एनईटी यूनिवर्सिटी। और यहाँ हैदराबाद में किस सिलसिले में आना हो आपका? मैं असल में ओडीबी से इंटर्नशिप पर आया था। अच्छा, यहाँ हैदराबाद आए थोड़े टाइम के लिए, तो यहाँ पर मुझे फातिमा फाउंडेशन के बारे में पता चला और इस हवाले से जो ये कार्य खैर में काम कर रहे हैं तो मेरा अपना दिल चाहा कि मैं इसमें हिस्सा लूँ और अपने हिस्से का जितना भी हो सकता है तो मैं इस कार्य खैर के अंदर अपना लगाऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे आप जो है? मैं यहाँ पे ब्लड कैंप में फातिमा फाउंडेशन की तरफ से जो ब्लड कैंप लाया गया वहाँ पे ब्लड डोनेट करने आया और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ब्लड डोनेट करने से बहुत फायदे होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं। यहाँ पे जैसे थैलेसीमिया हीमोफीलिया के हिसाब से बच्चों के लिए जो ब्लड डोनेट के लिए जो कमी आजकल बहुत कमी पड़ रही है बच्चों के लिए ब्लड के लिए, तो यहाँ पे आप लोग फ्री ब्लड डोनेट करें, बिल्कुल सेफ है, कोई मसला नहीं होता है। मैं भी डोनेट कर रहा हूँ, साथ ही वजन के हिसाब से आपका हर चीज़ चेक करके उस हिसाब से ब्लड डोनेट किया जाता है और बच्चों की बहुत मदद होती है इसमें। ब्लड आजकल का आप लोगों को पता है कितनी कमी है ब्लड की और डिफरेंट पेशेंट आते हैं डिफरेंट हालात की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से बच्चों में ब्लड नहीं है, तो फिर उनके लिए ब्लड के लिए जरूरत होती है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपको जजाए खैर अता फरमाए।